एवरीवन, मम्मी बना रही हैं चिकन मखमली और ये गाइस इतना टेस्टी बना था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले तेल में ना 5 इलायची ले लेनी है, फिर उसके अंदर पिसी हुई प्याज डाल के उसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए और उसका तेल जो है वो ऊपर ना आ जाए। फिर उसके बाद हम लोगों को चिकन लेना है, पहले चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर उसके बाद चिकन डालकर अच्छे से हमें चलाना है। फिर उसको चलाने के बाद उसके अंदर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको हमें ना 5 मिनट तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा पक नहीं जाता, मतलब चिकन थोड़ा पक नहीं जाता। एंड देन उसके अंदर डालना है ज़ीरा पिसा हुआ, सफ़ेद मिर्चे, कुटी हुई मिर्चे और धनिया पाउडर एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और मिर्ची। सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए क्योंकि हमारे यहाँ मिर्ची और नमक थोड़ा कम खाया जाता है, अगर आपके यहाँ तेज़ खाया जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग लेना। फिर उसके अंदर डालनी एकदम फिटी हुई दही, फिर उसको उसे अच्छे से चलाना है और हमें ना उसको अच्छे से पकाना है कम से कम 10 मिनट तक के लिए। फिर 10 मिनट बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा तो उसके अंदर डालना है फ्रेश क्रीम और गाइस इसी से ये क्रीमी बनता है। फिर इसको अच्छे से चलाना है, फिर इसके अंदर हमको डालना है गरम मसाला। उसके बाद हमें ना एक पैन में बटर लेना है और ज़ीरा डालना है, उसके अंदर सारी वेजीज डाल देनी है और उसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इससे ना सब्जियां डालने से ना उसमें ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो आप प्याज अगर आपको लेनी तो ले सकते हैं, वरना इट्स ऑप्शनल। फिर उसके बाद कसूरी मेथी डालनी है, इससे हमारा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर ये सब्ज़ियाँ भी मिला लेनी है एंड इट्स रेडी। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है गाइस और खाने में तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी रहा, तो ज़रूर ट्राई करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा।